तो क्या हाल है भाई सबके। आज स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज तो लिखी नहीं है। 5.3 तीन क्वेश्चन तक, थर्ड क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 6, 3, 6। पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ये हमारे पास एपी है 9, 17, 25। ऐसे हम इसमें कितने टर्म्स लें, इसमें कितने टर्म्स हम लें जिससे कि सम कितना आ जाए, 6, 36। सम कितना आ जाए, 6, 36। ठीक है जी, हम मान लेते हैं कि हम एन टर्म्स लेते हैं। हम कितने टर्म लेते हैं, एन टर्म्स लेते हैं। चलो देखते हैं भाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन बताओ। अगर देखो सम कितना आना चाहिए, 3, 6, 3, 6, तो हम इसको एस एन मान लेते हैं कि सम कितना आना चाहिए, 6, 3, 6। ठीक है, तो हो गया हमारा एस एन कितना है, 6, 3, 6। किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ए की जरूरत पड़ेगी, ए कितना है, 9। सबसे पहले फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या है, तो एस एन इक्वल टू, देखो इसमें छोटे वाला फॉर्मूले का तो कोई मतलब बनता नहीं है, बड़ा ही लगेगा, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, ये वाला किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ए की, डी की, एन की और एस एन की, चार चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ए हमारे पास है, डी हम निकाल लेंगे, एस एन दे रखा है, एन हमको निकालना है, कितने टर्म, एन ही पूछा है। ठीक है क्वेश्चन में, चलो देखो एक बार, एस एन 6, 3, 6, ए हमारे पास 9 है, डी बताएगा कौन, इसमें से इसको घटा लो, 17 माइनस 9 कितना आ गया, 17 माइनस 9 8। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे करते हैं एस एन इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, एन बाई टू, ठीक है, 2a, ए क्या है हमारा, 9 प्लस एन माइनस वन, एन तो पता नहीं है, एन ही लिखना पड़ेगा, डी कितना है, 8। ठीक है जी, चलो एस एन कितना है हमारा, 6, 36, 6, 36 एन अपॉन टू 18 प्लस, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 8n-8। ठीक है जी, देखो चलो इसको अंदर घुसाएंगे, 6, 36 इक्वल टू एन बाई टू, इधर देखना 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 10, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 8n+10 क्या हो जाएगा, 8n+10। ठीक है, अच्छा इस 2 का क्या कर सकते हैं, या तो इधर इसमें मल्टीप्लाई कर दो या इसमें इधर घुसा दो, इधर घुसाएंगे तो कट रहा है तो इसको इधर ही कर देंगे। ठीक है, अगर तुम देखो, अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6, 3, 6, 3, 6, इधर एन, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा अंदर, 4n, 4n। ठीक है, और 2 की इससे करेंगे तो क्या आएगा, 10, ये 5 आ जाएगा, है ना, क्लियर है, ये 10 क्या किया हमने, अंदर घुसा दिया, 6, 3, 6, ये क्या आ गया, 4n² प्लस 5n। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, देखो इधर आ गया 0, 4n² प्लस 5n और -6, 3, 6, क्या सही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक, अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अच्छी इक्वेशन बनी है भाई। ठीक है, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इक्वेशन 4n² प्लस 5n -6, 3, 6 इक्वल टू 0, हमें किस किस के फैक्टर करने होते हैं, इसका और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आता है उसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि प्लस माइनस करके ये वाला टर्म आ जाए, मतलब 5 आ जाए। अगर तुम देखो 6, 3, 6 × 4 करेंगे तो क्या आएगा, 6, 3, 6 × 4 करेंगे क्या आएगा, बताना भाई किसका निकला हुआ है, 5, 4, 4। ठीक है, लेकिन ऐसा करने की कोई खास जरूरत है नहीं, मैं एक तरीका बताऊंगा तुम्हें, देखो ये क्या है, 5 लेके आना है। ठीक है, तो आप इसके फैक्टर, ऐसा नहीं है कि अब हम इसका, अब इसके फैक्टर करेंगे तो वापस से ही 4 × में तो वैसे ही आना है, तो उसके फैक्टर ना करके जस्ट इसके फैक्टर करो, क्या तुम समझ पाए हो, 4 × कुछ ना कुछ इंटू करके आ रहा होगा, इससे सिर्फ इसके फैक्टर करो, तो 6, 3, 6 के फैक्टर करते हैं। ठीक है, क्या आएगा, 2 से करना तो 3 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, फिर 2 से 1 और कितना आ गया, 5 और 9 आ गया, फिर अब से कैसे करेंगे, 3 से 5 और 3, 53 प्राइम नंबर है, घटेगा नहीं किसी से, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2, 2, 3 और 53। तो अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो देखो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, इतने ये लिख रहा हूं, 2 × 2 × 3 × 53 हो गए फैक्टर, समझ में आया, इसकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको कोई नंबर के हमें यूज है ही नहीं इस नंबर का। ठीक है, देखो अब ऐसे एडजस्ट करना है कि प्लस माइनस करके 5 आए,
ये कितने सारे फैक्टर में से दो उठाने हैं, देखो 4 2 8 2 16 3 40 8। अब देखना ये तो 48, कोई दो ही फैक्टर तो लेने, 48 into 53 आएगा तो वही, और प्लस माइनस करके देखो 5 आ रहा है कि नहीं, 53 minus 48, तो इन दोनों को ले लेंगे, 53 को और 48 को। ठीक है, देखो चाहिए किसका, प्लस का चाहिए ना, तो बड़े वाले को प्लस का रखेंगे, 4n² + 53n - 48n - 6 3 6 = 0। क्या कॉमन है दोनों में, तो n कॉमन है बस, n ये क्या बचा 4n + 53 - क्या कॉमन है, देखना एक बार क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में क्या आएगा, 12 कॉमन आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत हो तो फिर इस पे चले जाना, ये 636 के फैक्टर तो ये थे। ठीक है, इसमें क्या है 3 2 6 और 2 12। ठीक है, 12 इसमें भी और 12 3 48, 12 इसमें भी, तो 12 कॉमन आ जाएगा, 12 अंदर क्या बचेगा n माइनस, यहाँ क्या बचेगा 53। कुछ गड़बड़ है क्या, ना ना ना, ना एक सेकंड, 4 4 4 तो ही आएगा ना, एक सेकंड, 4 12 ही तो कॉमन आया है, तो 4n और माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि बाहर हमने माइनस कर लिया, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ले लो 4n + 53 कॉमन आ गया, 4n + 53 और ये आ गया द्वारा n - 12। ठीक है, अगर मैं बराबर जीरो लगाएंगे, अगर इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रखूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 4n = -53 और ये 4 इधर से मल्टीप्लाई से जाएगा तो अपॉन में 4। एक तो n की वैल्यू ये है और एक n की वैल्यू आ जाएगी 12। कौन सी लेंगे बताना, 12। ये तो काम की नहीं है, ये काम की है, इसको लेंगे। ठीक है, तो n कितना आ गया हमारा 12, यही हमारा आंसर है। इसके कितने टर्म होने चाहिए जिससे कि सम ये आ जाए, तो इसके 12 टर्म होने चाहिए, तो n कितना आ गया हमारा 12, कितने टर्म होने चाहिए 12 टर्म, यही अपना आंसर है। क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो एक बार, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, पहला टर्म क्या दे रखा है 5, मतलब क्या है इसका, ए दे रखा है, ए दे रखा है 5, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक 5 ना लिख दिया, ए दे रखा है 5 और लास्ट टर्म कितना दे रखा है, तो इसको एन लिख लो या ए एन लिख लो, एक ही बात है, हम ए एन लिख ले रहे हैं। ठीक है, 45 और सम दे रखा है 400, एस एन दे रखा है आपको 400। ठीक है, ये तीन चीज़ गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, आपको एन निकालना है, क्या निकालना है, एन निकालना है और क्या करना है, डी निकालना है, डी निकालना है, ये दो चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे, एक बात बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, छोटा, देखो छोटा लगाएंगे ए एन वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए बी है और ए एन भी है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो एस एन इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस ए एन, जो हमारे पास ए भी है और ए एन भी है, एस एन भी है, तो हम यही वाला लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, और एक बार फटाफट से देखो, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ए कितना है हमारा 5, ए एन कितना है 45। ठीक है, और एस एन कितना दे रखा है 400, यहाँ 400 इक्वल टू एन बाई टू इंटू, इसको ऐड करेंगे कितना 50, तो भाई 2 से कट गया 25 टाइम, और ये 25 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 400/25 इक्वल टू एन, ये 4 बार 4 16 16, एन कितना आ गया 16, बस खत्म क्वेश्चन, ये अपना ना ना ना, अभी तो अच्छा, अभी तो डी भी निकालना है, अब हमारे पास एन आ गया, सॉरी एन आ गया, अब डी और निकालना, डी किससे निकालेंगे, अब एंथ टर्म वाले फॉर्मूले को उठा लो, इससे निकाल देंगे। ठीक है, क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अच्छे तो देखो ए एन कितना है, ए एन हमारे पास 45, ए कितना है 5, ये रहा, और एन कितना आ गया 16 16 माइनस 1 15, और डी कितना है, डी है, डी फाइंड करना है, डी की जगह डी रख लो। ठीक है, करो भाई, तो ये इधर आएगा 45 माइनस 5 40, 15 डी, कितना 15 डी, डी भी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा अपॉन 15 करना, तो ये आएगा 8 अपॉन 5, क्या आ जाएगा 8 अपॉन 5 8 जा और 5 3 जा सॉरी 5 3 जा 8 अपॉन 3, ये आ गया अपना डी, फ्रैक्शन में आया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 अपॉन 8 अपॉन 3, ये अपना डी आ गया, क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 and 1/3 350। फर्स्ट टर्म दे रखा है कितना, मतलब ए दे रखा है 17 और लास्ट टर्म या ए एन लिख सकते हैं उसको, ए एन कितना दे रखा है 350। ठीक है,
इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस कितना है 9, मतलब d कितना है 9. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, क्या निकालना है, एक तो कितने टर्म है मतलब कि n निकालना है, उनका सम मतलब कि Sn निकालना है. इतनी बात क्लियर है? देखो इधर a17 an 350 और d दे रखा है, कैसे करेंगे क्वेश्चन, n निकालना है हमको. तो देखो इसमें लगा लेते हैं an वाला फॉर्मूला, ठीक है, an वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे. क्लियर है इतनी बात? क्या होता है एन वाला फॉर्मूला, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, देखो ए एन भी है हमारे पास, ए भी है, डी भी है, एन हम निकाल लेंगे इससे. क्लियर है? देखो एन कितना है 350, ए कितना है 17, एन हमको निकालना है और डी कितना है 9. 17 इधर आएगा कितना हो जाएगा 333, ठीक है, 350 माइनस 17 333 होगा, ठीक है, n माइनस 1 और ये 9 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में कट जाएगा इससे, कितना 3 जा 27 और 7 जा 63. क्लियर है? 37 आ गया, तो n, अब n माइनस 1 इधर जाके प्लस 1, 37 प्लस 1 38 इक्वल टू n. इतनी बात क्लियर है? n कितना आ गया 38, तो बस Sn और निकालना है. क्या निकालना है? Sn. अच्छा एक चीज़ और, छोटा वाला फॉर्मूला लेंगे, क्यों, a और an दोनों हैं, जब भी हमारे पास an होगा तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, n by 2 a plus an, ठीक है. Sn हम निकाल रहे हैं, n कितना आ गया 38 अपॉन 2 इन टू ए कितना है 17 और 350, 17 प्लस 350, 38 अपॉन 2 19 टाइम्स कट गए, 19 इंटू ऐड करेंगे क्या आएगा 367, मल्टीप्लाई करना 19 7 133, 3 13 114 127 12 57 369, ठीक है, 6973 यही है, यही अपना आंसर है, ये आ गया एसएन. क्लियर है? चलो भी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. शुरुआत के जो 22 टर्म्स हैं उनका क्या निकालना है, सम निकालना है, जिसमें कि डी हमें कितना दे रखा है 7 दे रखा है, और 22 टर्म्स 22nd टर्म कितना दे रखा है 149. इसका मतलब समझते हो, 22nd टर्म मतलब कि ए 22 दे रखा है. देखो सॉल्व करते हैं इसको, डी दे रखा है 7, ए 22 कितना दे रखा है 149. क्लियर है? ये सिर्फ दो चीज़ दे रखी है, निकालना क्या है 22 टर्म का सम निकालना है, मतलब कि Sn निकालना है हमको, S22 निकालना है. क्या निकालना है? S22. और क्या निकालना है? बस यही है ना. देखो कैसे निकालेंगे, A22 हमारे पास है और S22 हमें निकालना है. अगर हमारे पास A और मिल जाए हमको, A और An दोनों हो जाएंगे, तो हम उस फॉर्मूले से S22 निकाल सकते हैं. तो कहने का मतलब क्या है, पहले A निकालना हमारे लिए ज़रूरी है. इधर देखो A कैसे निकालेंगे, तो nth टर्म वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. क्लियर है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है. ए एन कितना है, मतलब ए ट्वेंटी टू कितना दे रखा है हमें 149. ए हमको निकालना है, एन कितना है 22 माइनस 1 21 और डी कितना है हमारे पास 7. देखो ए यहीं रहने देंगे 149, और जिसको 7 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या 147 आया ना. क्लियर है? 147 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 149 माइनस 147 तो कितना आएगा 2. तो ए इक्वल टू कितना आ गया 2. 149 प्लस का इधर जाके ये माइनस का हो गया 2 आ गया. ए हमारे पास आ गया 2, और हमारे पास ए भी आ गया, ठीक है, ये और ए एन भी है हमारे पास, इन दोनों का यूज़ करके हम ये निकाल सकते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, एस 22 निकाल रहे हैं, तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ठीक है. अब देखना एन कितना है 22, 22 अपॉन 2, ठीक है. ए कितना आया, ए 2 आया, 2 रख दिया. ए एन कितना है 149, 149 कितना आ गया 11 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 150 और 298 आया ना, बोलो जल्दी, यही है, कर दो, मल्टीप्लाई करनी है ना, एक सेकंड, ओह शिट, रुक जा, मल्टीप्लाई क्यों कर दी भाई, फिर मैंने 149 प्लस 2 151, ओह माय गॉड, ये तो कांड हो गया था.
चलो भाई करना मल्टीप्लाई, 1 6 6 और ये 1, यही आ रहा है। 11 की मल्टीप्लाई की ट्रिक पता है ना कैसे करते हैं, इसको लिखो, इन दोनों को ऐड करके लिखो, इन दोनों को ऐड करके लिखो, लास्ट में लिखो। बाकी और वीडियोस बनाता रहूँगा मैं उसके लिए, ठीक है, देखते रहना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखना, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें, देखो निकालना तो क्या है, 51 टर्म का सम निकालना है। कहने का मतलब क्या है, क्या निकालना है आपको, S51, ये तो निकालना है हमको। ठीक है, दे क्या रखा है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, A2 दे रखा है और A3 दे रखा है। A2 कितना दे रखा है, 14, और A3 कितना दे रखा है, 18। A2 14 दे रखा है और A3 कितना दे रखा है, 18। निकालना क्या है, S51। ठीक है, देखो इन दोनों से इक्वेशन बनाकर A और D की वैल्यू निकाल लेंगे, और A और D की वैल्यू आ जाएगी, फिर S51 निकालेंगे। देखना एक बार, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि A+N-1 × D, N कितना है 2, N-1 1, 1, D को सीधा D। ठीक है, और कितना दे रखा है, 14 इक्वल टू क्या हो गया, A+D। इसको पहली इक्वेशन बना लो। ठीक है, सेकंड देखो, A3 को क्या लिख सकते हैं, A+N-1 × D, N कितना है 3, ठीक है, तो 2D। A3 कितना, 18, A+2D, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे लो। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को घटा लो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, लिख लेना इस लाइन को। ठीक है, 14 इधर आओ, A+D, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को घटा रहे हैं सेकंड में से, माइनस लगा दो, 18 - 14 = 4, A से A खत्म, 2D - D, डी इक्वल टू कितना आ गया, 4। इसको किसी एक में पुट कर लो, इसमें कर लो, इसको पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पुट कर रहे हैं तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 14 = A+D कितना आया, 4, तो ये माइनस चला जाएगा इधर, इधर क्या आ जाएगा, 10, तो A इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर है, A हमारे पास 10 आ गया और D हमारे पास 4 आ गया। चलो निकालना क्या है, S51 फॉर्मूला क्या होता है, देखो SN = N/2, बड़ा वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, 2A+N-1 × D। क्लियर है, N कितना है, 51 अपॉन 2, A कितना आया है हमारे पास, 10, 2 × 10 = 20 लिख दूं डायरेक्ट, ठीक है, प्लस N-1 = 51 - 150 हो जाएगा। ठीक है, D कितना है, D आया 4 × 4। क्लियर है भाई, S51 = 51 अपॉन 2, 20 प्लस ये कितना हो जाएगा, इनटू लगा लो, देखो 5 × 4 = 20, 220, कितना आ जाएगा, 220, क्या लिख दिया, 220 मल्टीप्लाई करोगे तो 110। अब मल्टीप्लाई करना है इसकी, 1 और 5 और 1 = 6, 5 ये आएगा, 5 6 10, यही है ना, ठीक, ये आ गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, ठीक है, क्या दे रखा है, बोलना, बोलो क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म मतलब SN, खच्चर हो तुम्हारे, SN कितना, S7 दे रखा है 49, और 17 टर्म का कितना सम दे रखा है, 289, मतलब कि S17 दे रखा है, ठीक है, 289। आगे देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, क्या निकालना है, SN निकालना, क्लियर है। चलो देखो कैसे करेंगे, इन दोनों से इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, A और D पता करेंगे तब जाके SN निकालते हैं। देखो S7 को क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, देखना तो फॉर्मूला क्या होता है, लिख पता है ना, SN = N/2, ठीक है, 2N + 2A + N-1 × D, ये वाला लगाएंगे, N/2 मतलब 7/2 2A, ठीक है, प्लस N-1, N कितना है 7, 7-1 मतलब 6, और D, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो S7 कितना दे रखा है, इस वाली आप पुट कर देते हैं, 49 = 7/2, अच्छा अपॉन 2 एक बार ध्यान से देखना, अगर मैं इसको अंदर ले जाता हूँ 2 को, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये 3 टाइम कट जाएगा, ठीक है, तो इसको अंदर लेके जाता हूँ मैं, तो क्या आएगा, A+3D, हाँ या ना बोलो,
ये 2 अंदर जाके डिवाइड कर दिया दोनों को, अब ये 7 इधर जाएगा तो कितने टाइम, 7 टाइम कट जाएगा। इक्वेशन क्या आएगी, 7 इक्वल टू ए प्लस 3D। इसको फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत है? सेकंड देखो, S17 289 दे रखा है, S17 289 दे रखा है, S17 इक्वल टू 289। S17 की जगह क्या लिख सकते हैं, n बाई टू, मतलब 17 बाई टू 2a प्लस n माइनस n कितना है 17, 17 माइनस 1 16 और d कितना है, d पता नहीं है तो d भी ऐसे रहे, 289। क्लियर? अब देखो यहाँ भी सेम, 2 अंदर जाएगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो क्या आएगा, और 17 कहाँ चला जाएगा, उधर, तो 17 को उधर भेज रहे हैं, 2 को अंदर, अगर 2 को अंदर भेजेंगे तो a प्लस 8d, और 17 इसके नीचे आ जाएगा, तो 17 से इसको काटेंगे तो 17 टाइम्स ही कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 17। क्या समझ में आया ये वाली चीज, इसको अगर आप 17 से काटोगे ना तो 17 टाइम ही कट रहा है, 17 का स्क्वायर है, ठीक है ना। देखो a प्लस 18d ही आ गई सेकंड इक्वेशन, दोनों को करो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फर्स्ट वाली को सेकंड में से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल टू 7, इसको कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 खत्म, 8d माइनस 3d 5d इक्वल टू 17 माइनस 7 10d इक्वल टू 2, d बराबर क्या आ गया 2, लेकिन चाहिए क्या, a भी चाहिए, तो इसको फर्स्ट में पुट कर लो, पुट इन फर्स्ट, पहली में पुट करेंगे d, a इक्वल टू d की जगह कितना रखना है 2, तो 3 इंटू 2 डायरेक्ट 6 लिख दो, a बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 6 है, उधर जाके माइनस का 6, 7 माइनस 6 1, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1, d इक्वल टू कितना आ गया 2, निकालना क्या है Sn, लो यहीं पे निकाल देते हैं, फॉर्मूला क्या है n बाई 2, n तो पता ही नहीं है, ठीक है, 2a plus n minus 1 इंटू डी, ठीक है, थोड़ा सा भाई इधर को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, इधर देखना, Sn इक्वल टू, n पता नहीं है यूँ रहने दो, 2a, a कितना आया हमारा 1, तो 2a ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, प्लस n पता नहीं है तो n माइनस 1, d का क्या होगा, d कितना आया 2, तो यहाँ आएगा 2, ठीक है, देखो Sn इक्वल टू n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, ठीक है, अब एक बात बताओ, ये प्लस का 2 है वो माइनस का खत्म 0, इससे कट गया, अच्छा आगे देखो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू क्या आया 2n, 2 से 2 खत्म, क्या आ गया Sn, n स्क्वायर, यही अपना आंसर, क्लियर है भाई।